कॉइन ब्यूरो का मैंने वीडियो देखा, तो वो तो बोल रहा है कि पैसा छाप के तो आ गया, डेट सीलिंग बढ़ा दिया, लेकिन कितना पैसा दिया वो पता नहीं, तो सीक्रेट है। मतलब वो ऐसा बोल रहा था, वो शायद 5-6 दिन पुराना वीडियो रहेगा, मेरे हिसाब से लेटेस्ट ही था, 1 दिन पहले का या 10 घंटे के पहले का। तो किसी को पता है क्या कितना पैसा, मतलब डेट सेलिंग कितना बढ़ाया और कितना पैसा छाप के दिया? अगर ये लोग सीक्रेट रखते हैं, डेट सीलिंग कितना बढ़ाया मालूम नहीं और कितना पैसा दिया गवर्नमेंट को मालूम नहीं, इसका मतलब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर छाप के देगा और इसका मतलब बहुत बड़ा बुलरन आएगा। तो बुलरन का अंदाजा लगाने के लिए पैसा छाप के कब आएगा पता चलना चाहिए, तभी बाइंग एंड सेलिंग भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग मैं करता नहीं, क्योंकि मैंने एक खेला था गेम, क्या बोलते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। तो जब भी मैं शॉर्ट करता था तभी मार्केट अप जाता था, और जब भी मैं लॉन्ग करता था तभी मार्केट डाउन होता था, और एक बार भी मेरा बराबर नहीं हुआ। ये गेम मैंने खेला रहेगा 10-12 बार, एक इथेरियम लॉस हुआ रहेगा, पर तभी इथेरियम था $150-200। पर एक इथेरियम अगर वो अभी रहता तो उसका कीमत अच्छा था ना। फिर मैंने छोड़ ही दिया। एक मेरा फ्रेंड है जिसने NFT में पैसा कमाया, NFT में मैंने 50-60 हजार रुपये गवाया, पिक्चर में, फोटो में, और ट्रेडिंग में भी मेरा अंदाजा बराबर बैठा नहीं, तो बंद ही कर दिया। तो होल्ड करता हूँ, स्टेकिंग, यील्ड फार्मिंग बंद कर दिया, क्योंकि उसमें घाटा होता है, बड़ा घाटा होता है। अभी सिर्फ होल्ड, और प्राइस इतना बढ़ेगा कि थोड़ा सा इथेरियम, मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी का इथेरियम बेच के गरीबी 10-12 साल के लिए दूर हो जाएगी। तो कोई ट्रेडिंग दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो वही तो मैंने देखा, मेरे पास इतने इथेरियम थे, मतलब काफी इथेरियम थे, 1000 के ऊपर इथेरियम थे, लेकिन मैंने ICO और टोकन में इन्वेस्ट, इसमें इन्वेस्ट, और उसमें मेरा काफी इथेरियम लॉस हुआ। चलो एयरड्रॉप काफी मिले मेरे को, क्योंकि मैं लगभग रोज इथेरियम यूज करता था, मतलब 3 साल तो मैंने रोज इथेरियम यूज किए। फिर बुलरन में मैंने अंदाज लगाया कि अगर मैं सिर्फ इथेरियम होल्ड करता था तो जितना बड़ा मेरा पोर्टफोलियो है उससे 7-8 times, 10 times मेरा पोर्टफोलियो ज्यादा बड़ा होता था, और मैंने दिमाग लगा के मेरा पैसा कमती किया। और यही बात मैंने बिटकॉइन मैक्सिमलिस्ट से देखी, उनका दिमाग शेंगदाने का है। बिटकॉइन मिनिमम सप्लाई,
और क्या कौन सा तो फिलॉसफी झाड़ते, बट बिटकॉइन विल बी जीरो, क्योंकि वो जो साइड चेन बन रहा है और उस पे BRC-20 उससे ना नेटवर्क जैम होगा, और जब बुल रन आएगा तब भी बिटकॉइन की असलियत सामने आएगी कि ट्रांजैक्शन ही नहीं होता और बिटकॉइन विल बी जीरो, इट डजंट हैव रियल वैल्यू, इट हैज फिक्शनल वैल्यू. इथेरियम हैज रियल वैल्यू. कैसे? देखो बिटकॉइन इकोसिस्टम पे क्या है, कुछ नहीं, टोकन है उसी. इथेरियम इकोसिस्टम पे क्या है, डेप्स है, डेरिवेटिव्स मार्केट है, फाइनेंस मार्केट है, एक्सचेंजेस है, और एक एक डेप का वॉल्यूम कम से कम 100-200 मिलियन है, और जो बड़े डेप्स है उनका ऐसा 4-5 बिलियन 10 बिलियन डेली का वॉल्यूम है, उनका ट्रांजैक्शन रेवेन्यू ही मिलियंस में है. तो इथेरियम का नेटवर्क का डेली का ट्रांजैक्शन जो फीस जनरेट होता है वही मिलियंस ऑफ डॉलर्स है. तो इथेरियम नेटवर्क का एक वैल्यू है. अगर कोई इथेरियम नेटवर्क खरीदता है अजूमिंग, तो ये जो रोज के ट्रांजैक्शन होते उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, और वो रेवेन्यू जनरेशन से मतलब अगर उसका साल का इनकम 500 बिलियन है वो नेटवर्क का, तो उसका वैल्यूएशन इनटू 5 इयर्स इनटू सम गुडविल ऐसा के नेटवर्क वैल्यू कैलकुलेट होता है. तो इमेजिन उसका इथेरियम का एक्चुअल वैल्यू कितना है. तो इथेरियम का एक्चुअल वैल्यू है. बिटकॉइन का तुम बोलोगे अरे बिटकॉइन में भी ट्रांजैक्शन होता है, उसका भी उतना फी जनरेट होता है, पर बिटकॉइन में कोई डेप्स नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं है. चलो बना रहे बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क अनलेस दे चेंज अ ब्लॉक साइज विच दे आर नॉट गोइंग टू डू. तो और वो बिटकॉइन इज नॉट स्केलेबल, कुछ भी करो. इसीलिए तो प्रूफ ऑफ स्टेक लाया है, नहीं तो प्रूफ ऑफ वर्क से ही काम चला लेते थे. टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ता है फॉर स्केलिंग एंड अदर थिंग्स, तो वो सब होगा नहीं. अभी बिटकॉइन कैश वाले ने ई कैश क्यों निकाला, क्योंकि बिटकॉइन कैश का मैं वो चेंज नहीं कर सकते, टोटल एंटायरली न्यू ब्लॉकचेन ही बनाना पड़ेगा. और इसलिए रॉजर वेयर जैसे क्रांतिकारी ने, जो असली क्रांतिकारी है, जो समझता है कि सरकार का कंट्रोल हटाना है तो उनसे फाइनेंस का कंट्रोल लेना पड़ेगा, मनी प्रिंटिंग का पावर उनसे छीनना पड़ेगा, और इसीलिए उसने मिंबल विंबल प्रोटोकॉल पे ई कैश निकाला. ई कैश हैज हिस्ट्री, यूज केस, और क्रांतिकारी है, और उसको जो टीम सपोर्ट करती है, लोग सपोर्ट करते हैं, वो सारे क्रांतिकारी है. और इसीलिए मैं ई कैश की तारीफ करते रहता हूँ, और ई कैश काफी बूम करेगा. भले मैंने मेरा इन्वेस्टमेंट था 1,000-1,500 या $2,000, मैंने
इथेरियम में कन्वर्ट किया क्योंकि उसका वैलेट यूज करने को नहीं आता है, और मैं थोड़ा एनर्जी में लो है, थोड़ा बीमार है, तो उसके कारण मेरे को बाइनेंस में कितना दिन से सोच रहा है लॉगिन करने का, मैं लॉगिन नहीं कर रहा था क्योंकि एनर्जी नहीं है बाइनेंस में लॉगिन करने का, एनर्जी नहीं है, कंटाला आता है। और ऐसा करके मैंने 4-5 महीना निकाला, फिर बाइनेंस का एसेट फ्रीज हो सकता है ऐसा सब लोग बोल रहे थे, तो तभी मैंने बाइनेंस में लॉगिन करके अपने जो बाकी के इन्वेस्टमेंट है इथेरियम में कन्वर्ट करके निकाले, क्योंकि क्योंकि मेरे को अभी दूसरा वैलेट यूज करने नहीं आता, और मैं किधर सीखते बैठेगा, बाइनेंस में लॉगिन करने का एनर्जी नहीं है, और किधर, तो मेन क्या है, थोड़ा बीमार रहेगा तो ताकत चला जाता है, कंटाला आता है कुछ भी चीज करने का, और तो बेसिकली मतलब एनर्जी लॉस होता है, तो ये एक नुकसान है उसका, तो उससे तरक्की कम होता है क्योंकि तुम काम नहीं कर सकते, एनर्जी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम होता है। तो चलो इथेरियम है मेरे पास, तो इथेरियम में भी 50,000-100,000 का हो गया, विच आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी इजी, एंड आई एक्सपेक्ट BTC बिटकॉइन टू गो जीरो और इथेरियम टू टेक इट्स प्लेस, और तो वैसे भी मैं सुपर ये होगा हूं, मैं मिलियनर बिलियनर, तो थोड़ा कम पैसा आएगा तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा 1-2 मिलियन या 50-100 मिलियन कम है तो क्या फर्क पड़ता है, जब इतने सारे मिलियंस है तो। तो लेकिन जिनको पोर्टफोलियो बनाना है ई कैश इन्वेस्ट करो, क्योंकि क्रांतिकारी सोच है, प्लस रॉजर वेयर है और उसकी जो एनआर की टीम है वो उसको सपोर्ट में है, रास्ते पे खड्डा खड्डा है ना, तो ये लेन से वो लेन, बारिश में यही रहता है, खड्डा खड्डा काफी रहता है, और बड़ा बड़ा खड्डा है कि पूरा टायर ही अंदर घुस जाएगा, तो आज मैंने ये डैशबोर्ड मोबाइल लगाया क्योंकि मैं कार में कभी कभी रहता हूँ काफी टाइम, तो वीडियो बना सकते हैं, और तो इसलिए लगा दिया, मेरे को देखने का भी था क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर कार में वीडियो बनाते हैं,
तो मैं सोचा कि मैं भी बनाता हूँ और इसीलिए लगा दिया। सो